दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आगरा यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और अगर आपने जरा से भी कट कर दे तो पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर सभी कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो जब आपको वीडियो जरा सी भी कट नहीं करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर बीए और एलएलबी की। अगर आप लोग बीए और एलएलबी दोनों ही एक साथ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 3 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपका बीए और एलएलबी 3 साल का होने वाला है। और 3 साल का ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर बीए एलएलबी मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल जाता है। अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो आप यहां से बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको 4 साल का मिल जाता है यहां पर, और आपको बहुत अच्छी बात है कि यहां पर एकदम एग्रीकल्चर से मिल रहा है। आपको बीएससी एग्रीकल्चर से मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन यहां पर आपको बीएससी मिल जाता है। अगर आप लोग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिल जाता है, और 2 साल का अच्छी बात है कि आपकी बीएड कंप्लीट यानी कि बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग मास्टर ऑफ बिजनेस यानी कि एमबीए करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट से कर जब आप पाओगे, और यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम एक्सेप्टेड यानी कि यूपीएसईई, आपको ये एमबीए में एडमिशन लेने के लिए यूपीएसईई का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ तौर पे दिखाया गया है एग्ज़ाम एक्सेप्टेड में, यानी कि एमबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको यूपीएसईई का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तभी आप एमबीए में एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर बीएससी करना चाहते हैं अगर आप लोग बैचलर ऑफ साइंस, तो आप लोग यहाँ से बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी यहाँ पर लगभग आपको ये कोर्स 3 साल का मिलने वाला है, और 3 साल का ये काफ़ी अच्छा कोर्स माना गया है। और 3 साल के अंदर यहाँ पर आपको लगभग जो स्ट्रीम मिलने वाला है 2 स्ट्रीम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग आपको 2 स्ट्रीम मिल जाएंगे, और सबसे मेन है कि आपको यहाँ पे होम साइंस मिल रहा है। बाय द वे होम साइंस बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन होम साइंस सब्जेक्ट लेना एक बहुत ही बीएससी की लाइन में बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग यहाँ से बीएससी करते हैं तो आप लोग को यहाँ से ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग बीटेक करने की सोच रहे हैं यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये आजकल के इंजीनियरिंग लाइन में काफ़ी अच्छा कोर्स माना गया है, और ये कोर्स आपको 4 साल का मिलने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पर ये 4 साल का कोर्स मिल जाता है, और 4 साल के अंदर यहाँ पर लगभग जो स्ट्रीम मिलता है लगभग 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बीटेक में एडमिशन लेने से पहले आपको यूपीएसईई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जब भी आप बीटेक में एडमिशन ले पाओगे तो काफ़ी अच्छी बात है, इंजीनियरिंग लाइन में आपको काफ़ी अच्छी लाइन मिल जाती है। अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बीटेक भी कर पाओगे। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पीएचडी भी कर पाओगे। पीएचडी यहाँ पर आपको लगभग 3 साल का कोर्स मिलने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 3 साल का रहेगा, और 3 साल के अंदर यहाँ पर आपको जो स्ट्रीम है वो लगभग 8 स्ट्रीम मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये नज़र आती है कि आपको यहाँ मैथमेटिक्स भी मिलता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स जो लाइन है काफ़ी अच्छी लाइन है, आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स मिल जाता है। तो आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री भी मिल जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन की। तो आप लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहाँ से 2 साल का कोर्स मिल जाता है, आप लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग बी फार्मा लैटरल से यानी कि बी फार्मा अगर आप लैटरल से करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बी फार्मा लैटरल से भी कर पाओगे। लेकिन आपको बता दूँ, बी फार्मा अगर लैटरल से करते हो, बाय द वे आपको बता दूँ ये कोर्स आपको 4 साल का मिलता है। अगर आप लैटरल से करते हो तो लैटरल से आपको लगभग 3 साल का मिल जाता है। लेकिन बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया यूपीएसईई का, तभी आप बीटेक बी फार्मा में एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कट ऑफ 17-18 है, लगभग 17-18 रखी गई है। अगर आप लोग एडमिशन लेते तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी टफ है। अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 3 साल का मिल जाता है, और 3 साल का ये बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स मिल जाता है। और यहाँ पर लगभग बीबीए जो है आपको 2 स्ट्रीम में मिलता है। यहाँ पर बीबीए जो है होटल मैनेजमेंट और जर्नल यानी कि जो मिनिमम होते हैं होटल मैनेजमेंट बहुत कम जगह पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको होटल मैनेजमेंट की भी लाइन मिल जाती है, यानी कि मैनेज कैसे होता है। अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ से ज़रूर करना चाहिए।
अगर आप लोग एमफिल करना चाहते हैं तो एमफिल कर पाओगे। एमफिल आपका एक साल का कोर्स मिलने वाला है और एक साल के अंदर आपको जो स्ट्रीम मिलते हैं वो यहाँ पर लगभग 11 स्ट्रीम मिल जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइकोलॉजी, यानी कि काफ़ी और भी ज़्यादा स्ट्रीम मिल जाते हैं। अदरवाइज एमफिल करना चाहते तो ये एक साल का कोर्स होता है और एक साल का काफ़ी छोटा कोर्स है। वैसे अगर आप लोग यहाँ से ये डिग्री कर लेते हो तो एमफिल एक काफ़ी अच्छी मान्य डिग्री मानी जाती है। अगर आप लोग करना चाहते तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। जो लोग यहाँ से एमए करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो आप लोग यहाँ से एमए भी कर पाओगे। एमए यहाँ पर आपको लगभग 2 साल का मिलने वाला है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर 2 साल का मिल जाता है और 2 साल के अंदर यहाँ पर आपको लगभग 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, संस्कृत, यानी कि हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये मिलना बहुत ही मुश्किल काम है एमए के अंदर। तो आप लोग यहाँ से अगर करना चाहते तो आप लोग कर पाओगे। अगर आप लोग एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी कर सकते हैं यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पर आपको ये कोर्स 2 साल का मिलने वाला है और 2 साल के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 22,635 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रीम रखे गए वो लगभग 17 स्ट्रीम रखे गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17 स्ट्रीम काफ़ी अच्छे अच्छे मेन रखे गए हैं और यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिलता है, बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट बात है। अगर आप लोग मास्टर ऑफ लॉ यानी कि एलएलएम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से मास्टर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपको ये कोर्स 2 साल का होने वाला है और 2 साल का काफ़ी बेस्ट एंड बेस्ट कोर्स माना जाता है। अगर आप लोग बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं यानी कि BLIBSC, अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से ये कोर्स कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स 1 साल का होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है 1 साल का। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, तो 1 साल का बेस्ट कोर्स है। जो लोग MMC यानी कि मास्टर ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन, अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको लगभग 2 साल का मिल जाता है। अगर आप लोग 2 साल का यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, काफ़ी बेस्ट कोर्स है। अगर आप लोग MMC करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग MCOM करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आप लोग यहाँ से MCOM भी कर सकते हैं। MCOM यहाँ पर आपको लगभग 2 साल का कोर्स मिलने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 2 साल का होने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 साल का ये कोर्स मिल जाएगा। अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि और यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट एंड लॉ, यानी कि आपको यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से MCOM करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 2 साल का कोर्स मिल जाता है। अगर आप लोग BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करने की सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 4 साल का मिलने वाला है और 4 साल के अंदर यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अप्लाइड आर्ट्स, प्लानिंग, म्यूजिक, स्लिपिट्योर, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको लगभग 1 साल का मिल जाता है, यानी कि बेस्ट बेस्ट डिप्लोमा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप लोग ये डिप्लोमा कर लेते तो काफ़ी अच्छा डिप्लोमा माना जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा इस डिप्लोमे के लिए। अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप किसी भी लाइन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग MCA करना चाहते हैं लेटरल से यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लोग यहाँ से MCA भी कर सकते हैं। MCA यहाँ पर आपको 2 साल का कोर्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 2 साल का कोर्स मिल जाता है। अगर आप लोग BTech लेटरल से करना चाहते हैं तो BTech लेटरल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 3 साल का मिल जाता है और 3 साल के अंदर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा UPSC का, और यहाँ पर कट ऑफ लगभग 3,721 तक रखी गई है कट ऑफ, इसकी काफ़ी टफ रखी गई है। और यहाँ पर आपको लगभग 3 ही स्ट्रीम मिलते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं मिलता है लेटरल में, तो बाय द वे अगर आप लेटरल से नहीं करते तो अब आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करते तो यहाँ पर आपको ये BTech लेटरल से 3 साल का भी मिल जाएगा और 3 साल का आपका 3 स्ट्रीम भी मिल जाएगा। अगर आप लोग MFA यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो अगर आप लोग करना चाहते तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको लगभग 2 साल का मिलने वाला है और 2 साल के अंदर यहाँ पर लगभग आपको 3 स्ट्रीम मिलने वाले हैं, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट। और अगर आप लोग करना चाहते तो यहाँ पर आपको 3 साल का स्ट्रीम मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 साल का कोर्स में 3 स्ट्रीम मिलना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। जो लोग यहाँ से MSTAT करना चाहते हैं तो MSTAT कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिलने वाला है, तो अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करते हैं तो आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कोर्स मिल जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊँ ना,
तो यहाँ से आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। तो अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करते हैं तो ये सब कोर्स आपको एक साल का मिलने वाला है, यानी कि आपकी एक डिग्री एक साल की हो जाएगी। और यहाँ पर आपको लगभग सबसे बेस्ट बात है कि आपको एक साल की डिग्री मिल रही है। अगर आप लोग करना चाहते तो आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि अगर आप लोग कोई डिप्लोमा करने की सोच रहे हो तो आप लोग यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको एक साल का मिल जाता है और एक साल के अंदर जो वो टोटली चार्ज पे करना पड़ेगा लगभग 17,635 रुपये। और यहाँ पर आपको तीन स्ट्रीम मिल जाएगा, मैथ्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नेचुरल डिस्ट्रॉयर मैनेजमेंट। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। जो लोग यहाँ से बी कॉम करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आप लोग यहाँ से बी कॉम भी कर सकते हैं। बी कॉम यहाँ पर आपको लगभग 3 साल का मिलने वाला है और 3 साल का बेस्ट बेस्ट कोर्स है बी कॉम। अगर आप लोग करना चाहते कर सकते हैं। अगर आप लोग MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने की सोच रखा है तो आप लोग यहाँ से MCA भी कर सकते हैं। MCA यहाँ पर आपको लगभग 3 साल का कोर्स मिलने वाला है। और आपको बता दूँ 3 साल का यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 72,635 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 72,635 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर यानी कि पर ईयर इसी तरीके से सेम चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप लोग MCA करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ से BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप लोग यहाँ से BE करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 4 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 4 साल का रहेगा। तो 4 साल के अंदर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 78,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में मिल जाता है। और वही सेम थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी 4 साल तक आपको सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जब भी आप एडमिशन ले पाओगे। और आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी लाइन मिल जाती है। जो लोग यहाँ से एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा बेस्ट बेस्ट है, आपको 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जर्मन, फ्रांस, रशियन। तो यहाँ पर एक अच्छी लैंग्वेज मिल जाती है एडवांस डिप्लोमा के अंदर। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। तो अगर आप बात करते हैं डिप्लोमे की, अगर आप डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो आप लोग डिप्लोमा भी कर पाओगे। डिप्लोमा यहाँ पर लगभग 1 साल का कोर्स होने वाला है और 1 साल के अंदर यहाँ पर लगभग आपको 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं, रशियन, फ्रांस, जर्मन। तो 3 स्ट्रीम मिलना बहुत अच्छी बात है डिप्लोमा में। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग सर्टिफिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कोर्स 1 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 1 साल का होगा और 1 साल के अंदर यहाँ पर आपको लगभग 3 स्ट्रीम मिल जाता है, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। अगर आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट भी करते हैं तब भी आपको 1 साल का मिल जाता है और ये 3 स्ट्रीम मिल जाएंगे। अगर आप लोग बी फार्मा करना चाहते हैं तो बी फार्मा आपको 4 साल का रहेगा। आपको लोग आप सभी को UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और इसकी जो कट ऑफ है लगभग 690 से 1,694 है। और यहाँ पर आपको मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना लंबी वीडियो का बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी कर दूंगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि बोरिंग से लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए। और दोस्तों यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि हम इस तरह की जानकारी और भी लाते रहें। बाय द वे अगर आप लोग नहीं देखते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बाय द वे ये चैनल बंद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 2 साल का मिल जाता है और 2 साल के अंदर यहाँ पर अगर आप MHRM करना चाहते हैं तो आपको ये UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग ये कोर्स 2 साल का मिलने वाला है और यहाँ पर ये बेस्ट बेस्ट बात है कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा चैनल बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अभी यूनिवर्सिटी की कोई भी जानकारी आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तो देख लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।